ये बात है उस समय की जब चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। क्या यार टैग, क्या पका रहे सबको? सीधे मुद्दे पे आओ ना। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज पीएस यानी कि फोटो सिस्टम या यू कहें पिगमेंट सिस्टम पर डिस्कशन होगा। मैं जा रहा हूँ। ओके। हाँ तो हम कहाँ थे? पीएस। तो देखिए, हमने आपको फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन तो बता दिया। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा या अगर आपको ये नहीं पता कि डार्क रिएक्शन किसे कहते हैं तो वो चैनल पर जाकर ये बात चेक जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में आपको ये जरूर बता दिया कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए दो टाइप के सिस्टम यूज करते हैं, फोटो सिस्टम 1 और 2। और इससे पहले हम आगे बढ़ें, उससे पहले ये जरूर जान लें कि सारा खेल इलेक्ट्रॉन्स का है। और उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। आखिर आप सोचिए कि पौधे प्रकाश से अपना भोजन कैसे बना लेते हैं। देखिए, जाने से पहले ने आपसे कहा था कि सारा खेल इलेक्ट्रॉन्स का है, और कैसे आइए जानते हैं। देखिए, चाहे फोटो सिस्टम 1 हो या 2, उनका बेसिक्स तो बिल्कुल कॉमन है। जैसे कि क्लोरोफिल का एक बड़ा सा मॉलिक्यूल होगा, एक नहीं दो डाइमर बोलेंगे, जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफ़र करके आगे बढ़ा देगा। और फिर वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी की हेल्प से इम्पॉर्टेंट चीज़ों का सिंथेसिस करेगा। पर बात ये आती है कि क्या एक छोटा सा क्लोरोफिल सूरज से इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सके? जवाब है बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर बारी आती है ढेर सारे एक्स्ट्रा क्लोरोफिल्स की, जो सूरज से एनर्जी को एब्जॉर्ब तो करेंगे पर अपनी सारी एनर्जी उस मेन क्लोरोफिल को देंगे, जिसे हम रिएक्शन सेंटर भी बोलेंगे। और फिर इतनी सारी एनर्जी मिलने पर क्या कुछ नहीं हो सकता? तो देखिए, जो मेन क्लोरोफिल होगा उसे हम कहेंगे रिएक्शन सेंटर, और जो उसके चारों तरफ ढेर सारे एक्स्ट्रा क्लोरोफिल्स होंगे उन्हें हम कहेंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। आखिर वो प्रकाश की खेती ही तो कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग ही तो कर रहे हैं, इसीलिए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स में दो प्रकार के क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होंगे। एक तो जो बिल्कुल बाहर बाहर लगे होंगे उन्हें हम कहेंगे एंटीना मॉलिक्यूल्स, और इसके बाद जो अंदर की तरफ लगे होंगे उन्हें हम कहेंगे कोर मॉलिक्यूल्स। आपको इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर मिलकर लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर इलेक्ट्रॉन को इमिट करेंगे। फिर यही हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन 2-4 पिगमेंट्स से होते हुए सिंथेसाइजेबल एलिमेंट तक पहुंच जाएगा। अब अगर इनके आधार पर हम फोटोसिस्टम 1 को देखें तो फोटोसिस्टम ग्रेना थैलेकॉइड और स्ट्रोमा थैलेकॉइड में पाया जाएगा, और इसमें सेंटर में रिएक्शन सेंटर के नाम पर क्लोरोफिल का ऐसा जोड़ा या यू कहे डाइमर होगा जो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और इसीलिए इसे हम कहेंगे P700। और इसके चारों तरफ वही एंटीना मॉलिक्यूल्स, कोर मॉलिक्यूल्स, जिन्हें हम कहेंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और ये मॉलिक्यूल्स मिलकर 607, 670, 678, 685, 690, 705, 710, 720, 735, 715 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और उस एनर्जी को P700 नाम के रिएक्शन सेंटर में पहुंचा देंगे, और फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा जो उसी फोटोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब किए होंगे। पर बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, पर चूंकि जब इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं तो P700 ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यानी वो और इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकता, तो क्या साइकिल यहीं पर रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं, आप आगे देखते रहिए। और इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि हमारा P700 पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है या यू कहें ऑक्सीडाइज हो चुका है। और इसके बाद ये चारों इलेक्ट्रॉन्स A0 या यू कहें A0, A1, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, इन सबसे होते हुए फेरोडॉक्सिन तक चला जाएगा। ये सब एक वर्णक है और कुछ नहीं। और फिर फाइनली फेरोडॉक्सिन या यू कहें FAD को छोड़कर ये NADP+ में ट्रांसफर कर जाएगा, और फिर हाइड्रोजन से रिएक्ट करके NADPH+ HIN फॉर्म करेगा। हे, ये हाइड्रोजन कहाँ से आ गया बीच में? बता रहा हूँ ना। ओह सॉरी। देखिए, आप दो बातें जरूर याद रखिएगा। पहला कि यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को ऐड किया है और P700 पॉजिटिवली चार्ज है। इन सब का क्या होगा वो आगे पता चलेगा।
पर जो NADPH++ बना है उसे हम सेल का रिड्यूसिंग पावर कहते हैं, और ये PS1 या यू कहें फोटोसिस्टम 1 में ही बनता है, और आपका फोटोसिस्टम 1 यहीं पे फिनिश खत्म। और बारी आती है फोटोसिस्टम 2 की, तो एज यूजुअल यहाँ पर भी एक रिएक्शन सेंटर होगा जिसे हम कहेंगे P680, और इसके अगल बगल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो 660, 670, 678 या 650 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, और जो रिएक्शन सेंटर P680 है वो 680 नैनोमीटर का लाइट एब्जॉर्ब करेगा। इसके बाद लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स अपनी अपनी एनर्जीज को P680 को ट्रांसफर करेंगे, और उसके पास एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि खुद की तो है ही, बाकियों का भी ले लिया इसने। अब ये भी इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा हाई एनर्जी वाला, जिसके पास वो फोटोनिक एनर्जी होगी या यू कहें सूरज की एनर्जी, और जो P680 है वो P680+ या यू कहें वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाना है। अरे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, इसलिए प्लस हो गया। और आगे आने वाले नामों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो निकला है वो फियोफाइटिन से होते हुए प्लास्टोक्विनोन और उसके साइटोक्रोम बी साइटोक्रोम एफ से होते हुए प्लास्टोसाइनिन तक चला जाएगा, और फाइनली यही प्लास्टोसाइनिन इस इलेक्ट्रॉन को PS1, ध्यान से सुनिएगा, PS1 में जो P700 पॉजिटिवली चार्ज नहीं हुआ था उसको देकर उसे ग्राउंड स्टेट में ला देगा, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस हो गए, अब वो दोबारा साइकिल में भाग ले सकता है। यानी कि प्लास्टोसाइनिन यहाँ पर एक प्लग की तरह वर्क करेगा, प्लग जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को वहाँ कर देगा। पर अब बात ये आती है, जो P680 पॉजिटिव हुआ है उसका क्या होना है, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर की तरह वर्क करेगा, और जो प्लांट्स में वाटर नहीं है पानी, उसे स्प्लिट करेगा, यू कहे वाटर का फोटोलिसिस होगा यहाँ पे। और जैसा कि आपको यहाँ पर रिएक्शन में दिख रहा होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में और इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, ये ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में यू कहें हवा में वापस चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन P680 को सेटिस्फाई करेगा, और ये हाइड्रोजन PS1 में जाकर NADPH++ आयन को क्या करेगा सिंथेसाइज करेगा या बनाएगा जो भी कह ले, और यहीं पर आपका PS2 खत्म फिनिश। और फाइनली अगर हम देखें तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, चैनल की रेटिंग काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। अगर आप डार्क रिएक्शन के बारे में कुछ नहीं जानते तो इस वीडियो पर क्लिक करें, और अगर आप दूसरा कुछ जानना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें, या फिर दूसरी वीडियोस के लिए चैनल पर विजिट करें। हमसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।